बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ अबाउट द ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स। ग्रुप फोर्थ ए एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं, इट्स कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। अब आप अपनी बुक्स में जस्ट इन एलिमेंट्स के नाम पढ़ चुके हैं या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन ये कैसे लगते हैं, कैसे दिखते हैं, कैसे अकरेंस इनकी होती है, उसके हवाले से ये एक डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। अगर आप लेड को देखें तो लेड की एग्जिस्टेंस इस फॉर्म में होगी। टिन जो है, जो हम रूटीन में जहाँ पर देखते हैं, ये हमारे पास ये पिक्चर टिन के हवाले से गिवन है। जर्मेनियम की भी पिक्चर गिवन है। कार्बन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द डायमंड, प्योर फॉर्म जो होती है, और सिलिकॉन जो है ये सिलिका सैंड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे पहली अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन उसी तरह से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ग्रुप फोर्थ है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हमारे पास उसी तरह से नोबल गैस कन्फिग्रेशन और वेलेंस इलेक्ट्रॉन पी में आएगा। P2 ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ और सिक्स पीरियड में जो है वो हमारे पास इंक्लूड होते हैं। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड जो हैं ये डिफरेंट पीरियड्स में जो है वो मौजूद हैं, इसलिए ये रिप्रेजेंट की जा रही है इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो यहाँ पर हमारे पास जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने गौर से सुनने हैं। ऑल द एलिमेंट्स शो द वैलेंसी ऑफ फोर। ग्रुप फोर के जितने एलिमेंट्स हैं दे शो द वैलेंसी ऑफ फोर।